हाय चैंपियंस, हाउ आर यू? हियर वी हैव अनदर टू मोर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 49 एंड क्वेश्चन नंबर 50 फ्रॉम क्लास 10 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन इज, टेन स्क्वायर ए प्लस फोर्टी स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टू। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको सॉल्व कर, कई बच्चों को आता भी होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, अगेन एलएचएस आपको लेना है, और टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे देखिए आप आंसर में देख के आप पता लगा सकते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा। सेक ए और कॉसेक ए है, तो सेक कहाँ से मिलता है कॉस से, और कॉसेक कहाँ से मिलता है साइन से, तो हमको टेन और कॉट को सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो टेन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे बच्चों आप आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, साइन और कॉस में चेंज करने के बजाय हम क्या करते हैं आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करके देखने की कोशिश करते हैं, शायद और इजी हो जाए। तो टेन स्क्वायर ए हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर ए माइनस वन की जगह कॉट स्क्वायर ए के प्लेस पे लिख सकते हैं, नहीं बच्चों आइडेंटिटी से नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे इसको साइन और कॉस में ही पुट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमको पता है टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, है ना। अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एलसीएम आएगा, अब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन टू द पावर फोर ए प्लस कॉस टू द पावर फोर ए, है ना। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में पहले हम इसको चेंज करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू कितनी होती है, वन होती है फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं हम, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कैंसल आउट, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। माइनस यहाँ पे क्या बच गया टू, ये हमारा आर एच एस है, हेंस प्रूव्ड। इजी था बच्चों क्वेश्चन, आइडेंटिटी पुट करने से क्या हो जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट साइन और कॉस में चेंज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 एल एच एस अगेन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, तीन स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। वन माइनस टेन स्क्वायर ए, बस इसमें क्या करते हैं मेन डिविजन वाला कॉन्सेप्ट बच्चों याद रखना है, जो गलतियां होती है। अब एक फॉर्मूला होता है वन अपॉन कॉट ए इज इक्वल टू होता है टेन ए, मतलब जैसे साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और कॉस एंड सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वैसे ही टेन और कॉट भी एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो वन अपॉन कॉट के प्लेस पे हम वन अपॉन टेन ए लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर है इसलिए वन अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टेन स्क्वायर ए, नीचे क्या करूँगा मैं एलसीएम लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा टेन स्क्वायर ए, वन माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब मेन डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे वन लिख देता हूँ, ये हमारा मेन डिवीजन है, ये क्या है हमारा
मेन डिवीजन है, इसको मैं क्या कर दिया इनटू में चेंज कर दिया, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट दैट मीन्स टेन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, वन माइनस टेन स्क्वायर ए, वन माइनस टेन स्क्वायर ए होल कैंसल आउट, हियर वी गॉट टेन स्क्वायर ए, दैट इज अवर आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, इजी था बच्चों क्वेश्चन, तीन स्टेप में आंसर आ गया है ना, तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए, ठीक है, बाय बाय चैंपियंस, टेक केयर।